बायोलॉजिकल काज ऑफ़ ओ डी डी मीन्स ऑपोजिशनल डाफियन डिसऑर्डर बायोलॉजिकल काजेज जब हम बात करते हैं ओ डी डी की यानी ऑपोजिशनल डाफियन डिसऑर्डर की तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकोटीन यूज़ की अब निकोटीन यूज़ बाय पेरेंट्स का क्या मतलब है कि मदर्स जो हैं अगर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करना शुरू कर दें सिगरेट uh, uh, तो इसका क्या मतलब है कि उनके बच्चों के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके अंदर ओ के सिम्टम्स डेवलप हो सकें एक रिसर्च जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि एट लीस्ट अगर टेन सिगरेट्स जो हैं वो एक मदर कंज्यूम करे इन अ डे तो उनके बच्चों के अंदर 18 मंथ महीने से लेके यानी एटीन मंथ ऑफ एज से लेके कर फोर ईयर्स के दरमियान में जो ऑपोजिशन डाफ़ी एंड डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वो अक्र होना शुरू हो जाती हैं इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जो फादर्स हैं अगर वो सिगरेट पी रहे हैं मिसाल के तौर पर और मदर जो है वो पैसिव स्मोकर बनी हुई हैं यानी मदर एडसल जो है वो स्मोक नहीं कर रही तो भी बच्चों के अंदर जो ओडीडी के सिम्टम्स हैं वो आने के चांसेस होते हैं लेकिन ये रिसर्च जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शल है क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ये भी एक्सप्लेन करती हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मदर खुद स्मोक नहीं कर रही तो इट्स मोस्ट लाइकली कि बच्चे के अंदर ओडीडी के फीचर्स नहीं होंगे बट वी कैन नॉट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ पैसिव स्मोकिंग टू देन हम बात करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की इसका क्या मतलब है कि वो मदर्स जिनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी न्यूट्रिशंस नहीं ले रही होती हैं, जिनकी हेल्दी डाइट नहीं होती तो उनके अंदर बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि जो बच्चा है वो ओडीडी के फीचर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करे अब ओ के फीचर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर मदर के अंदर आयरन की डेफिशेंसी है तो इट इज़ मोर लाइकली कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर जो है आफ्टर uh, डिलीवरी uh, वो uh, प्रेजेंट कर सकता है इसी तरह ऐसी मदर्स जिनके न्यूट्रिशन uh, जो है वो अप्रोप्रिएट होती हैं और जो हेल्दी फूड जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान लेती हैं उनके बच्चे जो हैं उनके अंदर कंडक्ट के इश्यूज या बिहेवरल इश्यूज या ओ के इश्यूज जो हैं वो कम रिपोर्ट uh, किए गए हैं तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो डाइट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जो है वो न्यूट्रिशंस जो हैं उसके अंदर वो कम्प्लीट हों और किसी किस्म की डेफिशेंसी जो है वो ना हो सके ये एक वे हो सकता है प्रोटेक्ट करने का किसी भी किस्म के डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर से देन वी टॉक अबाउट द जेनेटिक्स जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीन के थ्रू जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ट्विन uh, स्टडीज़ ये एक्जिबिट करती हैं कि अगर एक बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं डेफिनेटली इन मोनोजाइगोट ट्विंस इसी तरह आ, ये भी कहा जाता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स को मूड डिसऑर्डर्स हैं या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं या एनजाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो इट इज़ मोर लाइकली कि उनके बच्चों के अंदर ओ का प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं यानी क्लोज रिलेटिव्स के अंदर अगर कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं आपके उनके अंदर अगर ये प्रॉब्लम होगी किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इम्पॉर्टेंटली मूड डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो ओडीडी के फीचर्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके कर सके या करेगा